हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जिनको सीट पता होता है और कोच भी पता होता है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि वो जो ट्रेन पकड़ने वाले हैं, जिस ट्रेन से वो यात्रा करने वाले हैं, वो ट्रेन एक्चुअली में कितना नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी और उनका जो कोच है वो आगे पड़ेगी या पीछे पड़ेगी, वो उनको ये पता नहीं होता है। तो सो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप एक टिकट देख रहे हैं, हावड़ा से लेकर आरा तक का एक बुकिंग है, ठीक है, जो ट्रेन का नाम है विभूति एक्सप्रेस, उसका ट्रेन नंबर है 1333, जिसका क्लास है थर्ड एसी, ठीक है। थर्ड एसी में B343 अपर बर्थ और B342 मिडिल बर्थ है, दो पैसेंजरों का दो बर्थ है। यहाँ तक सभी पैसेंजरों को पता होता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो पार्ट से मैं बताना चाहता हूँ, तो जैसे कि इसके बाद क्या होता है कि अब हमें मालूम क्या करना होता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर होगा जिस पर ट्रेन आएगी वो कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, और हमारा जो कोच है जैसे कि इसमें B3 है, ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप लोगों का भी जो भी क्लास होगा वो किस साइड पड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म के आगे पड़ेगा या पीछे पड़ेगा या बीच में पड़ेगा। सो चलिए उसको भी जान लेते हैं। उसके लिए हमें एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि मैं वेयर इज़ माई ट्रेन यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते, जरूरी नहीं कि वेयर इज़ माई ट्रेन, ठीक है। तो मैं वेयर इज़ माई ट्रेन के द्वारा ही आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं वेयर इज़ माई ट्रेन ओपन कर चुका हूं, ठीक है। इसके बाद आप जैसे कि बीच में देख पा रहे हैं कि स्पोर्ट ट्रेन लिखा हुआ है, इस स्पोर्ट ट्रेन में आप अपनी ट्रेन नंबर दे सकते हैं, जो भी ट्रेन नंबर आपका है वो ट्रेन नंबर आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ट्रेन नंबर फिल कर रहा हूँ, 1233 हमारा गाड़ी नंबर है, वो मैं फिल कर दिया, ठीक है, विभूति एक्सप्रेस। जैसे कि मैं हावड़ा से गाड़ी पकड़ने वाला हूँ, तो हावड़ा से देखिए इसमें दिखा रहा है 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी, तो हमें ये पता चल गया पहला कि मुझे 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है, वहीं से मेरी गाड़ी आएगी, वहीं पर मेरी गाड़ी आएगी और वहीं से मुझे पकड़ना है। बीच में भी जो लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं वो भी सेम इसी ऐप के द्वारा में देख सकते हैं कि उनकी जो ट्रेन है कितनी नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से वो भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वेयर इज माई ट्रेन से, कोई भी ऐप से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे कि ऊपर कॉर्नर में देख पा रहे हैं, ठीक है, सबसे ऊपर में ये शेयर बटन के बगल बीच में और अलार्म बटन के बीच में एक सीटिंग चेयर पर एक पर्सन बैठा हुआ है, वो सीटिंग चेयर का ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम उस पर क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करके हम ये पता करेंगे कि हमारा जो कोच है आगे पड़ेगा या पीछे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वो ट्रेन का एक लोगो टाइप का आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है, S1, S2, S3, S4 दिख रहा है, इसके बाद स्क्रॉल कर लेते हैं। ये टोटल देखिए आप, इसमें टोटल कोच कितना है, तो इसमें टोटल 20 कोच है, ठीक है, मैंने टोटल ये गाड़ी 20 बोगी का है। अब इसमें आप अपना कोच नंबर ढूंढिएगा, ढूंढने के बाद आप उस पर देखिएगा सीरियल नंबर नीचे में दिया हुआ है कितना नंबर बोगी। जैसे कि मेरा B3 कोच है, 14 नंबर बोगी में मेरा B3 पड़ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप भी अपना कोच नंबर और बर्थ नंबर फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और एक बात, जैसे कि जो भी ऐप होती है वो प्रॉपरली आपका सीट नंबर नहीं दिखाती, कभी कभी सीट नंबर इधर उधर भी हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए मैं सीट के लिए ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा, लेकिन आपको कोच नंबर परफेक्ट दिखाती है और प्लेटफॉर्म नंबर भी एकदम परफेक्ट दिखाती है। तो सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँच सके।